वही यूपी के मऊ में भी पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया बदमाश को गोली लगी है। पकड़े गए बदमाश दीपक गौड़ पर 10 मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ जनपद का रहने वाला है। किसी घटना को अंजाम देने के लिए बदमाश जा रहा था। 25,000 का इनामी बदमाश है जिसे आखिरकार गिरफ्तार किया गया है। मऊ में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़ हुई। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जगह जगह पुलिस जो है अब इन बदमाशों को ढूंढ रही है। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में अभियुक्त दीपक और देवदत्त के बाएं पैर में गोली लगी है। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया है। विदित है कि दिनांक 10/10/2024 को थाना कोपागंज में एक शराब की दुकान में चोरी हुई थी। उसी मामले में अभियुक्त वांछित। सिर्फ मऊ में ही नहीं यूपी के संभल में भी बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी है। ये बदमाश भी 25,000 का इनामी बदमाश था। कई मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। संभल में 4 दिन में ये तीसरी मुठभेड़ है और मऊ की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको संभल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश की तरफ से फायरिंग की गई जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और बदमाश के पैर में गोली लगी है और जिसके बाद अभी फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभल और मऊ के अलावा आपको नोएडा की भी तस्वीरें दिखा देते हैं जहां बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। बदमाशों के पास से लूट का सामान बरामद किया गया है। ये बदमाश कहीं से लूटपाट कर वापस लौट रहे थे और इसी दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये देख सकते हैं पैर में जो है गोली लगी है बदमाश की। इसको भी कई दिनों से ढूंढा जा रहा था। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो बदमाश आज दोबारा कोई घटना कारित करने वाले हैं। इस सूचना पर उन बदमाशों की घेराबंदी की गई थी। सेक्टर 54 के पास एक मोटरसाइकिल पे 2 लड़के संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए थे जिनको रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी पर उनके द्वारा फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई जिसमें दोनों बदमाश घायल हुए। घायल बदमाश मिथुन एवं राजा इनका नाम है। दोनों मूल रूप से बेगूसराय बिहार के रहने वाले हैं। यहाँ ये होशियारपुर में रहते हैं। इनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल एवं तमंचा बरामद हुआ है। एक बाइक बरामद हुई जो चोरी की है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा बताया गया कि घटना वाले दिन यानी 1 तारीख को रात में इनके द्वारा एक व्यक्ति को एक टेम्पो से उतारकर उसके पास से मोबाइल और रुपया छीना गया था। Zee News.